हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली। आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटकी। ये महाराष्ट्रियन खास रेसिपी है। इसका हिंदी नाम तो मुझे पता नहीं है, आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप ऐसे इसी तरीके से कोई भी स्प्राउट्स, जैसे कि अंकुरित चना, अंकुरित मटर, अंकुरित मूंग दाल, कोई भी ऐसा स्प्राउट्स इसी तरीके से बना के देखिए। ऐसा ही स्वाद आएगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। चूल्हा ऑन करके कढ़ाई बिठा लिया। मुट्ठी भर मूंगफली ले लिया। इनको अच्छे से भून लेंगे। अच्छा सा डार्क कलर आ चुका है, निकाल लेते हैं प्लेट में ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे, 2 छोटी चम्मच तेल लेंगे, ज़्यादा तेल नहीं लेंगे। तेल गर्म हो गया, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने लग गया, अब हम डाल देंगे इसमें लहसुन, जो कि कलिया है, मतलब काटा नहीं है, सिर्फ छिलका निकाल के रखा था। इनको थोड़ा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, इसीलिए ऐसे साबुत रख दिया था। लहसुन थोड़ा सा भून चुका है, अब डाल देंगे कटे हुए सूखे नारियल। इनका जो काला हिस्सा है वो हमने निकाल लिया है और छोटे छोटे काट लिया। नारियल डाल के इनको भी थोड़ा सा भूनेंगे। नारियल भी भून चुका है, अब इसमें प्याज डाल देंगे, जो कि रफली काटा हुआ था, एक बड़ा साइज का प्याज। प्याज भी थोड़ा सा भून लेते हैं। मसालों को हमें यहाँ बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, अभी आधा अधूरा पकाना है, फिर बाद में इसको पीसना है। पीसने के बाद इसको फिर से पकाना है अच्छे से। थोड़ा सा गोल्डन कलर दिख रहा है, अब हम इसमें मिर्ची और टमाटर डालेंगे। 8-10 हरी मिर्च है, जो कि आधा आधा काट के रखा है, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, ये भी बड़े बड़े साइज़ में काट रखा है। मिर्ची, हमारी मिर्ची यहाँ ज़्यादा तीखी नहीं है, आपकी अगर तीखी है तो कम डालें। इनको भी थोड़ा सा भून लेते हैं और फिर निकाल के रख देते हैं भुना हुआ मूंगफली के साथ। ठंडा होने के बाद एक साथ मिला के पीस लेंगे। निकाल लेते हैं। ये देखिए, एक साथ मिला के रख दिया। ये हमारी मटकी है, अच्छे से देख लेंगे कोई गंदगी है क्या, कोई पत्थर है क्या, अच्छे से साफ करके धो लेंगे। धोकर ले लिया, प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। एक कप पानी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ढक्कन बंद कर देते हैं, चलते हैं चूल्हे पर। हीट ऑन करके प्रेशर कुकर बिठा दिया, फुल हीट में पहली सीटी आ गई। अब हम हीट को लो करके 3 मिनट रखेंगे। 3 मिनट बाद खुद ब खुद सीटी निकलने देंगे, उसके बाद ढक्कन हटाएंगे। सीटी निकल गई है, ढक्कन हटा लेते हैं, चेक कर लेते हैं अच्छे से पका है कि नहीं। ये देखिए, अच्छे से गल गया है। ठीक है, कुकर को हटा के साइड में रख देते हैं। अब जिस कढ़ाई में हमने मसाला भुना था वही कढ़ाई ले लेते हैं और थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। तेल हमें ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा ही तेल डालना है, बिल्कुल कम तेल में बनाने वाली सब्जी है। ज़्यादा तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन हेल्दी करने के लिए मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ। मसाला पीस रखा था वो डाल देंगे। चला लेते हैं अच्छे से, तेल के साथ मिला लेते हैं। अब मसालों को हमें अच्छे से पकाना है। मिक्सर जार को धोकर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। चला लेते हैं अच्छे से। थोड़ी देर भूनने के बाद
थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ध्यान रहे पहले भी हमने प्रेशर कुकर में नमक डाला था, उस हिसाब से नमक डालें। एक तिहाई छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे और एक तिहाई छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिला लेते हैं। मसाला बहुत गाढ़ा है, थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। पानी डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे 7 से 8 मिनट तक। तेल हमने बहुत ही कम डाला इसलिए मसाला तेल छोड़ने वाला नहीं है। 8 मिनट बाद हम ये मटकी डाल देंगे। पूरी मटकी डाल देंगे, डाल के अच्छे से मिला लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से चलाते हुए पकाना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आप जैसी ग्रेवी पसंद करते हैं, थोड़ी गाढ़ी थोड़ी पतली जैसे हो, मैं थोड़ी सी पतली रखने वाली हूँ इसलिए 2 से 2.5 कप तक पानी डालने वाली हूँ। 2 कप हो गया, आधा कप और डाल लूँगी। अच्छा से उबाल आने देते हैं। उबाल आ चुका है, अब ग्रेवी की कंसिस्टेंसी हम एडजस्ट करेंगे। मुझे तो इतना ही रखना है। अब हम थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे, स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा इससे। और थोड़ा सा गरम मसाला, देखिए बहुत ही थोड़ा सा, एक पिंच जितना गरम मसाला डाल दिया। मिला लेते हैं अच्छे से। हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। चलिए सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट मटकी बनी है दोस्तों। आप भी घर पर इसी तरीके से मटकी बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया था, डाल के सजा लेते हैं। सेफ रहे, स्वस्थ रहे, खाते रहे। बाय बाय।